गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सृजन शक्ति प्रेरक समावेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसको देखते हुए वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है। इसमें सभी अलग अलग दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, जिससे महिलाओं को जागरूक किया जा सके, जिसका शुभारम्भ आज से हो रहा है। हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। जो 1960s में जिसमें बहुत लोग उसमें बहुत ही महिलाएं शामिल थी, क्यूरिस्ट क्रिटिक्स, उन्होंने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया और उन्होंने इसको माध्यम बनाया बहुत सारे इश्यूज को डील करने के लिए जो महिलाओं से संबंधित थे, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन, इसके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना और धीरे धीरे करके समाज के हर दायरे में ये इसका फैलाव हुआ, लोग से जुड़ने लगे और यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक तरह से एक यूनिवर्सल एक इवेंट माना है। इस इवेंट के अंतर्गत बहुत सारे कैंपेन्स पर्टिकुलर इश्यूज विमेन्स राइट से संबंधित बहुत से आवश्यक पहलुओं को उजागर करने का एक उन्होंने इसको एक माध्यम बनाया डी जी रोसेटी, क्योंकि जब ये सोशियो कल्चरल फॉर देयर इज नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है हमारा 8 मार्च को, तो उसी के लिए हमारे जो विश्वविद्यालय है वो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन कर रहा है और कई कार्यक्रम करा रहा है, कुछ जागरूकता को लेकर करा रहा है और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको हर दिन नया दिखाई देगा और सबको शुभ। आज तो हम नहीं कहेंगे कि महिला दिवस की शुभकामनाएं, वो तो हम 8 मार्च को बोलेंगे। तो शुरुआत हमारी आज हो रही है और मैडम नंता सिंह, प्रोफेसर नंता सिंह जी हैं जो इसकी प्रेसिडेंट हैं हमारी